हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अंतिम प्रहार की सीरीज में बैठे हुए हैं और क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा ही बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा है और पिछले 5 सालों के अंदर भी आप ये देखेंगे तो ये एक तरीके का ट्रेंडिंग टाइप की क्वेश्चन रहा है। ये कह रहा है नेशनल कल्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के डिफरेंस को समझाइए कि नेशनल कल्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। अच्छा, नेशन का जो कल्चर होता है वो वहाँ की कास्ट कम्युनिटी सोसाइटी से मिलकर बिल्ड होता है। जैसे भारत का कल्चर क्या है, वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, सब जने यहाँ पर आए, साथ में व्यापार करें, हंसी खुशी से रहें, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी में भी एक अपना ही आनंद देखने को मिलता है, तो ये नेशनल कल्चर होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे डेवलप होता है, वहाँ के टॉप मैनेजमेंट के थ्रू डेवलप होता है कि वहाँ का टॉप मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन कैसा है, क्या पार्टिसिपेटिव है, मोनार्की है ना, लेजी फेयर है, किस तरीके का उनका लीडरशिप स्टाइल है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ का वर्ल्ड कल्चर एथिक्स फॉलो होता है। यदि लेट आने पर पनिशमेंट दिया जा रहा है, लेट आने पर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किया जा रहा है तो एक सर्टेन डिसिप्लिन मेंटेन होगा, और ऐसा नहीं किया जा रहा है तो एक अलग तरह का वर्ल्ड कल्चर प्रमोट होगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर हो सकता है, डिफरेंट नेशन में डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर हो सकता है, तो दोनों में डिफरेंस उसके वर्किंग स्टाइल और वहाँ की सोसाइटीज पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के बात है, नेशनल कल्चर के अंदर भी हम क्या देखते हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज बिलीफ एटीट्यूड कस्टम्स बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि एक देश के तौर पे आपका क्या पर्टिकुलर बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर बिलीफ है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज है, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड है, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन पे हम देखते हैं यही शेयर्ड बिलीव वैल्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपका कैसा है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसका कम्युनिकेशन स्टाइल और लीडरशिप स्टाइल इसको बताते हैं। नेशनल में जो की डिफरेंस होता है नेशनल और ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें की डिफरेंस क्या होता है, लेवल ऑफ फोकस, यानी कि नेशनल में तो वर्ल्ड वाइड रहता है और ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल पे रहता है फोकस। रेट ऑफ चेंज नेशनल में बहुत देर से आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो कल्चरल डिफरेंस आपको मैनेजमेंट चेंज होते ही, यानी टॉप मैनेजमेंट बदलते ही आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सोर्स ऑफ वैल्यूज़ नेशनल के अंदर हमारे रिलीजन रहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी रहते हैं, और जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज़ कौन रखता है, हमारा टॉप मैनेजमेंट रखता है, भाई पैसा दे रहा है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें नॉलेज कल्चर। नॉलेज कल्चर बेसिकली आप एजुकेशन काइंड ऑफ कल्चर है जिसके अंदर हम कुछ सीखना पसंद करते हैं। ये लेस कॉमन टर्म है, नॉलेज कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड एटीट्यूड्स वैल्यूज प्रैक्टिस रिलेटेड टू द हाउ नॉलेज क्रिएटेड शेयर्ड, लाइक ये एक जब कॉमन टर्मिनोलॉजी में एजुकेशन सिस्टम होता है, लाइक कि MBA वालों का एक पर्टिकुलर सोसाइटी है ना, MBBS वालों की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, BTech वालों की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, तो ये नॉलेज कल्चर होता है। जब किसी एजुकेशनल ग्रुप से, जब किसी नॉलेज बेस्ड ग्रुप से एक सर्टेन काइंड ऑफ शेयर्ड वैल्यूज या बिलीफ फॉलो करे जाते हैं तो उसे नॉलेज कल्चर को समझाया जाता है। तो नॉलेज कल्चर आपको समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर समझ में आ गया और नेशनल कल्चर समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा क्या होता है, नॉलेज कल्चर, सॉरी सबसे बड़ा होगा आपका नेशनल कल्चर। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, सबसे जो लार्ज स्केल में है आपका है नेशनल कल्चर, ठीक है। नेशनल के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बाद नॉलेज कल्चर, ये तीन स्टेजेस आप मान के चलो, ये सबसे लार्ज है, उसके बाद ये उससे स्मॉल है और ये फिर सबसे स्मॉल है। तो ये नॉलेज कल्चर जो होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेस होंगे। ये तीन टाइप ऑफ कल्चर दे रखे हैं, तीनों में कोऑर्डिनेशन भी रहता है, इंटरकनेक्शन भी रहता है, क्योंकि नेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इम्पैक्ट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कल्चर को इम्पैक्ट करेगा, और कभी कभी नॉलेज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स इतने हाई स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो नेशन को इम्पैक्ट करने लग जाते हैं। लाइक टाटा जी के जितनी सारी कंपनीज हैं उनका जो वर्क कल्चर है वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो दूसरे कॉम्पिटिटर एडवांटेज को भी इम्पैक्ट करता है, और जिसके कारण हमारा नेशनल का कल्चर में भी वर्क इथिक्स जो है उनका आता है, रोल आता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।